ये है झींगा बिरयानी बनाने के अज्जा। झींगा आधा किलो, जिसको मैंने बहुत अच्छे से गर्म पानी से साफ कर लिया है, और इसमें तकरीबन मैंने एक अदद बड़ा लीमू काट के झींगे के अंदर डाल के आधा घंटा छोड़ दिया था, उसके बाद मैंने इसको बॉल में रखा है। ये जीरा भुना हुआ लिया है मैंने एक चमची, इसको कूट लिया है मैंने। अदरक लहसुन का पेस्ट दो चमची, धनिया एक चमची, गरम मसाला एक चमची, हल्दी जो है वो एक चमची ली है, कुटी हुई मिर्च आधी चमची, जर्दे का रंग जो आखिर में हम बिरयानी के ऊपर डालेंगे, जर्दे का रंग आधी चमची लिया है मैंने, नमक एक चमची, और छः अदद कुटी हुई हरी मिर्च को मैंने लेकर कूट लिया है, तो छः अदद ये बड़ी वाली हरी मिर्च है, और लाल पीसी मिर्च मैंने एक चम्मच डाली है। दही तकरीबन एक कप मैंने लिया है, इसको मैंने फेंट लिया है बहुत अच्छे से, और ये तेल है आधा कप जो सालन बनाएंगे हम। मैंने तकरीबन तीन अदद दरमियानी आलू लेके इनको जर्दे का रंग डाल के बॉयल करके रख लिया है, तीन अदद टमाटर दरमियानी लेके इसका पेस्ट बना के मैंने रखा है, और तकरीबन तीन अदद प्याज को लाल करके मैंने चूर करके रख लिया है सालन में डालने के लिए। और अब मैं आपको बताती हूँ कि तेल में जो हम अज्जा डाल के फ्राई करेंगे, दो अदद तीस पत्ते के पत्ते लिए हैं, दो अदद मैंने छोटी इलायची, एक अदद बड़ी इलायची, तीन अदद लौंग, एक बादियान का फूल, और तकरीबन आधी चमची मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, आधी चमची मैंने काली मिर्च साबित ली है। व्यूअर्स, अब हम इसमें तेल डालते हैं, जो आधा कप मैंने तेल लिया था वो डाला है इसके अंदर, और इसके बाद अब हम इसमें जो तमाम मैंने खड़े मसाले लिए थे वो डालूंगी। जो मैंने तीस पत्ता आपको बताया था कि ये मैंने लिया है, दो अदद छोटी इलायची, दो अदद तो एक अदद बड़ी इलायची, तीन अदद लौंग, एक बादियान का फूल, सफ़ेद जीरा और काली मिर्च, वो हम इसमें डाल कर इसको गर्म करेंगे थोड़ी देर, ताकि इन मसालों का जायका भी इसमें आ जाए, तेल में आ जाए। इसको थोड़ा हम गर्म करेंगे, और इसके बाद इसको गर्म करने के बाद हम इसमें अब टमाटर का पेस्ट भी शामिल करेंगे, जब तक ये थोड़ा गर्म हो जाए। व्यूअर्स, ये फ्राई हो गए हैं तमाम मसाले इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से। अब हम इसमें टमाटर का जो पेस्ट, तीन अदद टमाटर का पेस्ट मैंने बनाया था वो शामिल करेंगे हम इसमें। और व्यूअर्स, ये टमाटर का जो पेस्ट हमने डाला था वो बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है इसके अंदर। अब हम इसमें इसे मसाले शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें हरी मिर्ची जो पेस्ट बनाया था चूर करके, हरी मिर्चें डाली है मैंने इसके अंदर। ये गरम मसाला डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, लाल कुटी मिर्च, जीरा पिसा हुआ जो भून के मैंने पीसा था वो जीरा डालेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, लाल पीसी मिर्च, हल्दी पाउडर और पीसा धनिया, ये सबको शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे हम। व्यूअर्स, ये देखें बहुत अच्छे तरीके से टमाटर में तमाम पीसे मसाले मिक्स हो गए हैं। अब हम इसके अंदर दही को शामिल करेंगे, जो हमने फेंट के रखी है एक कप दही। और इसके साथ हम इसको मिक्स करेंगे दही को बहुत अच्छे से। ये देखें दही भी मिक्स हो गई बहुत अच्छे से। और इसके बाद इसके अंदर जो हमने लाल की भी प्याज रखी थी, जिसको मैंने चूर कर लिया था, वो शामिल करेंगे। ये देखिए, और इसको अच्छे से मिक्स करके भूनेंगे आराम से इसको, ताकि अच्छे से मसाला मिक्स हो जाए। उबाल आने के बाद तीन से चार मिनट तक इसको हम भूनेंगे, पकाएंगे इसी मसाले में। व्यूअर्स, मसाला बहुत अच्छे से भून गया है, देखिए तेल भी ऊपर आ गया है बिल्कुल। अब हम इसमें झींगा शामिल करेंगे जो हमने रखा है, ये देखिए।
व्यूअर्स, हमने इसमें झींगा शामिल कर दिया है मसाले में, और झींगा शामिल करने के बाद अब हम इसको 10 मिनट तक धीमी आंच पे पका ढक्कन ढक के पकाएंगे। व्यूअर्स, मैंने आधा किलो चावल जो है बॉईल कर लिया है और इसको मैंने तकरीबन आधा किलो झींगा है तो मैंने आधा किलो ही चावल लिया है, और इसमें मैंने एक चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, आधी चम्मची मैंने काली मिर्च और एक चम्मच नमक डाल के उबाल लिया है। उसको तकरीबन 80% उबाला है ताकि बाकी ये दम के ऊपर गल जाए। व्यूअर्स, हमारा ये झींगा बिरयानी तो मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है, झींगे के साथ बहुत अच्छी तरीके से ये पक गया है। इसका तेल भी देखें बिल्कुल ऊपर आ गया है। इसको हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, इसको इतनी ही ग्रेवी रखेंगे। और मैंने जो मसाले अपने हिसाब से इस्तेमाल किए हैं, मिर्चें हैं, नमक है, ये मैंने अपने जायके के हिसाब से कि जिस तरह हमारे घर में खाई जाती मैंने रखी है। आप इसको अपने जायके के मुताबिक मिर्चें मसाले ज़्यादा कर सकती हैं। अब हम इसको चावल पे तह डालेंगे इसकी, तो आपको दिखाते हैं चावल पे तह डालते हुए। व्यूअर्स, हमने पतीली के अंदर जो है एक चम्मच देसी घी लगाया है, इसके वजह से इसकी खुशबू जो अच्छी आएगी देसी घी की, इस वजह से मैंने देसी घी डाला है इसमें अभी। अब हम इसके ऊपर जो है चावल की तह डालेंगे, एक तह चावल डालेंगे पूरी, और फिर हम इसमें बिरयानी वो झींगा जो है वो डालेंगे हम इसमें। व्यूअर्स, हमने चावल की एक तह डाल दी, अब हम इसमें आलू भी शामिल करेंगे, आलू की भी तह डालेंगे साथ साथ, ये देखिए। और ये मैंने जो आलू बॉयल करके रखे हुए थे और जर्दे में के रंग से उबालने में, ये देखिए इसके रंग भी कितने खूबसूरत आए हैं, ये देखिए। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी प्याज डालेंगे जो ब्राउन करके रखी हुई है हमने। हरी मिर्च रखेंगे और इसके ऊपर अब हम डालेंगे झींगा का मसाला, झींगा समेत। अब हम इसमें झींगा के मसाला डाल रहे हैं और झींगा समेत जो बनाया हुआ है हमने वो हम इसकी तह डाल रहे हैं झींगे की, ये देखिए आप। इधर मैंने डाला है और इसके बाद फिर हम इसके ऊपर चावल की एक तह और डालेंगे और फिर इसको दम पे रखेंगे। व्यूअर्स, हमने चावल के ऊपर आलू की और जो बिरयानी डाल की थी प्याज वो डाल दी है और झींगे की तह डाल दी। अब हम इसके ऊपर दोबारा से चावल की तह डाल रहे हैं, जो हम लोगों ने बाकी बचे थे चावल उसकी तह डाल दे रहे हैं। व्यूअर्स, अब हम इसके ऊपर जर्दे का रंग डालेंगे। आप देखिए मैंने इसके अंदर थोड़े थोड़े फासले पे थोड़े से सुराख कर दिए ताकि जर्दे का रंग अच्छे से अंदर पहुँच जाए, ये देखिए आप। और बाकी को हम इस तरीके से डाल देंगे और जो बाकी प्याज बची हुई है हमारे पास वो हमने इसके ऊपर डाली है, ये पूरी प्याज डाल दी है, और जो गरम मसाला हमारे पास था वो हम इसको इसके ऊपर डालेंगे जो मैंने आखिर में डालने के लिए रखा था, और एक चम्मच ही हम ऊपर से डालेंगे इसके ऊपर और इसको फिर हम दम पे रख देंगे। अब व्यूअर्स, हम इसको दम पे रखेंगे तकरीबन 10 मिनट तक दम पे रखेंगे, उसके बाद डिश आउट करते हैं। व्यूअर्स, अब ये इसमें चावल पे दम आ गया है बहुत अच्छी तरीके से, चावल देखिए आप इसके अंदर धुआं भी निकल रहा है और किस तरह से अच्छे से चावल भी बड़े बड़े हो गए हैं। व्यूअर्स, ये देखिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं अच्छे से मिक्स करके। व्यूअर्स, हमारी झींगा बिरयानी तैयार है, मैंने इसको डिश आउट किया, देखिए। व्यूअर्स, ये मैंने कच्ची मेहमान बिरयानी के लिए गोश्त लिया है मुर्गे का 1 किलो। अब हम इसमें तमाम मसाले मिलाते जाएंगे जो हमने रखे हैं। अब इसमें मैंने ये तकरीबन 8 से 9 आलू बुखारे हैं वो लिया है, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, वो इसके अंदर मिक्स करते जाएंगे, ठीक है। लाल जो प्याज मैंने की थी वो हम तकरीबन आधी प्याज इसमें शामिल कर देंगे। 2 अदद प्याज को मैंने लाल किया था जिसमें से आधी प्याज मैंने इसमें डाल दी है। अब इसमें मैं नमक डालूंगी, 1 चम्मच नमक तकरीबन मैं इसमें डालूंगी, ये जो खाना खाने के जो चम्मच होता है इससे मैं तकरीबन 1.5 चम्मच नमक डालूंगी, और इससे ही मैं
देखें आप, इससे ही मैं दो चमची लाल मिर्च पीसी डालूंगी और इसी से मैं अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2.5 चम्मच डालूंगी। और व्यूअर्स, चीनी जो है इसमें शक्कर डलती है और शक्कर मैं इसमें 3 चम्मच डालूंगी। ये देखिए, ये शक्कर मैंने इसमें 3 चम्मच डाल दी है। अब जो हमने मसाला बनाया था वो मसाला भी इसमें हम शामिल कर देंगे। जो मैंने आपको बिरयानी का मसाला दिखाया था वो शामिल कर दिया हमने इसके अंदर। और उसके बाद हम इसमें दही शामिल करके इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 1/2 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे। अब हम इसमें दही मिलाएंगे जो हमने दही बीट करके रखी थी। अब ये तमाम मसाला इसमें डाल दिया है मैंने और ये तमाम मसाले को हम अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 1/2 घंटे के लिए गोश्त को रख देंगे। इस बिरयानी में, कच्ची मेमन बिरयानी में टमाटर नहीं डलता है और जो है ये पानी में ही, दही के पानी में ही ये पकता है। आप देखिएगा कि इसको किस तरीके से पकाऊंगी मैं, अच्छे से मसाला मिक्स करके और उसके बाद इसको फिर मैं रख देती हूँ तकरीबन 1/2 घंटे के लिए रख दूँगी। आप अपने जायके के मुताबिक इसमें मिर्चें डाल सकती हैं। इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च और पुदीना जो है वो मैं आखिर में डालूंगी जब इसको दम पे रखूंगी, और आलू भी। ये देखिए हमारा बहुत अच्छे से मसाला मिक्स हो गया है। अब मैं इसको 1/2 घंटे के लिए रख रही हूँ। व्यूअर्स, ये 1/2 घंटा हो गया है, मैंने गोश्त को मसाला लगा के रखा था मुरवे के, ये तैयार हो गया है। अब मैं इसको जो है पतीली में, मैंने घी चारों तरफ लगा दी है चावल की पतीली में, अब मैं इसमें गोश्त को बिछाऊंगी। व्यूअर्स, ये इसमें मैंने गोश्त बिछा दिया है चारों तरफ। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी प्याज डालूंगी, जो लाल की भी प्याज थी वो प्याज डालूंगी इसके ऊपर। हरा पुदीना डाल रही हूँ इसके ऊपर। हरी मिर्चें मैंने जो तकरीबन 5-6 रखी थी, हरी मिर्चें डाल रही हूँ। हरा धनिया डाल रही हूँ और आलू डाल रही हूँ साथ में इसके ऊपर। मैं आलू भी डाल रही हूँ साथ में, जो मैंने काट के रखे थे, आपको बताए थे कि उबाल के मैंने रखे, ये आलू भी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। मैंने छीला चावल लिया है और 1 किलो लिया है चावल, और इसमें मैंने नमक जो उबाला है इसको मैंने 1 से 1.5 चम्मच नमक डाली है और 5 से 6 लौंग डाली है, और इसी तरह 5 से 6 मैंने काली मिर्च डाल के इसको बॉईल कर लिया है। जो 1 कनी चावल उबालते हैं उस तरह उबाल लिया है। अब हम चावल की गोश्त के ऊपर तह बिछाते हैं। व्यूअर्स, अब हम चावल की तह इसके ऊपर लगा रहे हैं। ये देखें ना, ये इसमें पानी डला है गोश्त में, ना टमाटर डला है, सिर्फ दही और मसाला है। और ये इसी के दम में ही ये गोश्त भी गल जाएगा और चावल भी हो जाएंगे मिक्स। तो इस तरीके से ये कच्ची बिरयानी कहलाती है, कि मेमन कच्ची बिरयानी, यानी कि ये पकती नहीं है, दम में ही पककर ये गल जाती है और बिरयानी तैयार हो जाती है। अब ये जो प्याज बची हुई थी ना, जो मैंने बचा के रखी थी, वो पूरी प्याज इसके ऊपर डाल दी हमने। ये हमने हरा धनिया पूरा इसके ऊपर डाल दे रहे हैं, हरी मिर्चें भी डाल रहे हैं इसके ऊपर, और ये जो पुदीना और हरा धनिया पूरा बचा हुआ था वो सारा मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। और इसके ऊपर हम डाल रहे हैं कम से कम 3 चम्मच घी के मैं डाल रही हूँ, देखें आप, क्योंकि इसमें तेल तो डाला नहीं है हमने, तो ये इसी के घी से ये पकेगा। ये आप देखें, 3 चम्मच घी मैंने इसके अंदर डाला है। इसमें जर्दे का रंग नहीं डलता है तो मैंने इसीलिए इसमें ये डाला है घी। और अब जर्दे के रंग के बगैर ही ये बिरयानी बहुत अच्छी होती है, आप देखें। और इसके साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कम से कम 1 चम्मच केवड़ा डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। अब मैं इसको दम पे रख दूँगी तकरीबन 40 मिनट के लिए। इसको मैं दम पे रख दूँगी धीमी आँच पे ताकि ये पक जाए, फिर आपको मैं दिखाऊंगी। बस ये देखिए हमारी ये बिरयानी बिल्कुल 40 मिनट्स के बाद मैंने इसको देखा है बिल्कुल तैयार हो गई है। आप ये देखें, धुआं भी निकल रहा है बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि देखें ये नीचे से भी बिल्कुल गल गई है। ये देखें गोश्त बिल्कुल, आप देखें कि गोश्त बिल्कुल टूट के अलग हो रहा है, तो यानी कि ये गोश्त भी गल गया है बिल्कुल। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसको। व्यूअर्स, ये हमारी कच्ची मेमन बिरयानी तैयार है, इसको मैंने डिश आउट कर दिया, देखें बहुत। ये है हैदराबादी बिरयानी के अज्जा। गोश्त 1.5 किलो मुर्गी का,
तेल एक कप, दही आधा कप, एक दरमियानी प्याज करके क्रश कर लिया है। हरी मिर्च तकरीबन 8 से 10 इसको मैंने पेस्ट बना लिया है। गरम मसाला एक चमची, लहसुन अदरक 2 चमची, हल्दी आधा चमची, नींबू का रस तकरीबन 2 चमची, लाल मिर्च 2 चम्मच, नमक 1 चम्मच और आप अपने जायके के मुताबिक भी नमक डाल सकते हैं। अब हम चलते हैं गोश्त में तमाम मसाले मिलाने की तरफ। व्यूअर्स, अब हम गोश्त को मैरिनेट करेंगे, इसमें तमाम मसाले मिलाएंगे। सबसे पहले हम मिर्चें मिलाएंगे इसके अंदर, नमक मिलाएंगे, मिर्चें शामिल करेंगे, नींबू का रस शामिल करेंगे, हल्दी शामिल कर रहे हैं, अदरक लहसुन, गरम मसाला, दही को शामिल कर रहे हैं हम, और थोड़ी सी प्याज को शामिल करेंगे, बाकी हम गार्निश के लिए रखेंगे। अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मिलाएंगे और तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको रख देंगे हम। आप देखें मैं कितने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि गोश्त के में मसाले के अज़ा पूरे बहुत अच्छे तरीके से शामिल हो जाए। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए रख रही हूँ। अब ये 1 कप तेल जो हमने बताया था आपको, वो 1 कप तेल डाल के इसमें हमने पतीली में डाल के गरम किया है और जो गोश्त को हमने मसाला लगा के रखा था वो अब हम इसमें डालकर भूनेंगे। ये हमने गोश्त पूरा डाल दिया है, अब इसको हम डाल के 15 मिनट के लिए भूनेंगे और 15 मिनट भूनने के बाद इसको 15 मिनट के लिए ही दम पे रखेंगे। आप देखें इसके भूनने में ही खुशबू इतनी अच्छी आ रही है और रंगत भी इतनी अच्छी हो रही है इसकी, आप देखें। व्यूअर्स, हमने गोश्त को बहुत अच्छी तरीके से भून लिया है, आप देख सकती हैं। अब इसको भून के अब मैं 15 मिनट के लिए बस इसको धीमी आंच पे रखूंगी और इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ये दही के पानी और अपने पानी से खुद ही गल जाएगी मूंगी। गोश्त बहुत अच्छी तरीके से गलकर भून दिया है मैंने। ये चावल के मैं अज्जा आपको दिखा रही हूँ। चावल मैंने लिया है 1 किलो अपने हिसाब से और ये देसी घी है। इसके मैं चावल को जब दम दूंगी तो उसके ऊपर 1-1 चमची डालूंगी, हर दम पर, हर तह के ऊपर बल्कि मैं 1-1 चमची डालूंगी। ज़ीरा 1 चम्मच लिया है, दालचीनी जो है 2 लिए हैं, काली मिर्च 10 दाने और बड़ी इलायची मैंने 3 अदद लिए हैं, 30 पत्ते 2 इसके पत्ते लिए हैं और नमक 1 चमची लिए। ये सब चावल उबालने के अज्जा हैं। व्यूअर्स, ये देखें कि चावल के जो अज्जा मैंने आपको दिखाए थे वो चावल के पानी में डाल के चावल को मैंने 1 कनी उबाल लिया है। चावल में बार बार चम्मच नहीं चलाइएगा क्योंकि उससे चावल टूट जाते हैं, और 2-3 उबाल देने के बाद मैंने इसको छान लिया है। अगला प्रोसेस देखिए, चावल पे तह पे किस तरह रखी हुई है। ये पतीली को तह के लिए रखा है मैंने, तो अब इसमें पहले मैंने नीचे 1 चम्मच घी को डाल के चारों तरफ फैला दिया है। अब इसमें हम 1 तह चावल भी डालेंगे। ये देखिए आप, चावल देखिए बिल्कुल साबित और खड़े खड़े हुए हैं क्योंकि मैंने चावल में चम्मच भी ज़्यादा नहीं चलाया, बस 1 दफ़ा ही चलाया मैंने मिक्स करने के लिए, उसके बाद चावल को चलाया नहीं मैंने और सिर्फ 2-3 उबाल पे मैंने इसको निथार लिया है पानी से। अब आप देखें कि मैंने चावल डाल दिया है चारों तरफ, अब इसके ऊपर मैं गोश्त की तह डालूंगी। अब इसके ऊपर मैं गोश्त की तह डाल रही हूँ। ये हमने गोश्त की लेयर लगा दी है, अब इसके ऊपर हम हरा धनिया गार्निश करेंगे। हरी मिर्च मैंने बारीक काट के ही डाली है इसके ऊपर, ये देखें, और इसके ऊपर हम फिर ये डालेंगे जर्दे का रंग। ये
और इसके ऊपर अब हम दोबारा से चावल की तह डालेंगे। अब हमने चावल की लेयर डाल दी है दोबारा से, अब फिर गोश्त की लेयर डाल रहे हैं हम इसके अंदर। देखिए तेल भी बिल्कुल मुनासिब है, गोश्त भी बिल्कुल किलो चावल के हिसाब से बिल्कुल गोश्त भी बहुत मुनासिब और बराबर हुआ है बिल्कुल बनके। अब ये ऊपर से मैं थोड़ी सी घी डालूंगी एक चम्मच। फिर हरा धनिया डालूंगी, हरी मिर्चें डाल रही हूँ और हरा धनिया डाल। और जर्दे का रंग फिर ऊपर से डालूंगी और इसके ऊपर दोबारा चावल की एक तह डाल। अब ये मैं इसको दोबारा चावल की तह रख रही हूँ इसके ऊपर और उसके बाद फिर मैं इसको दम पे रखूंगी। ये पूरा हमने चावल की तह डाल दी है। अब इसके ऊपर जो मैंने प्याज लाल करके क्रश करके रखी थी वो इसके ऊपर डालूंगी। और इसको दम के लिए रख दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट। व्यूअर्स अब आप ये देखें कि दम आ गया है चावल पे और इसका रंग भी बहुत अच्छा हो रहा है, चावल भी बिल्कुल खड़े खड़े हुए हैं। अब इसको मैं मिक्स करके अच्छे से फिर मैं इसको डिश आउट करती हूँ आपके सामने। व्यूअर्स की मैंने बिरयानी हैदराबादी चिकन बिरयानी को डिश आउट किया है। अज्जा आपके सामने मौजूद है, 4 कप हमने चावल लिया है, इसी तरीके से भिगो के 1 घंटे पहले रख दिया है। ये लहसुन इसमें 2 चम्मच डाला है, काली मिर्च 2 चम्मच है, दालचीनी 2 टुकड़े हैं, लौंग 4 टुकड़े हैं, सफ़ेद ज़ीरा 2 चम्मच है, 30 पत्ता है और 1 छोटी दरमियानी प्याज दी है जो लाल करने के लिए, गर्म होने के लिए डाल दिया है। अब इसमें हम अज़र डालेंगे ज़ीरा, काली मिर्च, 30 पत्ता, दालचीनी, लौंग और उसके साथ ही हम फिर डाल देंगे प्याज। प्याज को हम हल्की ब्राउन करेंगे और उसके बाद इसमें लहसुन डालेंगे। आप देखिए प्याज हल्की की ब्राउन हो गई है, अब इसमें मैं लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। चावल 4 कप का, तो हमने इस हिसाब से 7 कप पानी, नाज़रीन इसमें अंदाज से 7 कप पानी लीजिएगा क्योंकि मैंने 4 कप चावल लिया है तो मैंने 7 कप पानी लिया है। और फिर इसमें हद जरूरत नमक डाल लीजिए और इसको बॉयल होने के लिए रख दें। अब ये चावल का पानी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब इसमें हम जर्दे का रंग डालकर इसको दम पे रखेंगे। इसमें हमने जर्दे का रंग केवड़ा मिला के डाला है, थोड़ी सी लाल प्याज की भी थी वो भी हमने इसके ऊपर खुशबू के लिए डाल दी है। अब इसके हम धीमी आंच पे तवे पे दम पे रख देंगे, थोड़ी देर आंच को तेज रखेंगे और उसके बाद आंच को स्लो कर देंगे। ये देखें चावल बिल्कुल तैयार हो गया है, बहुत अच्छा दम आया है, बहुत अच्छी खुशबू हो रही है। ये देखें आप पुलाव को डिश आउट किया है, देखिए कितना खूबसूरत रंग है। गोश्त 1 किलो मुर्गी का मैंने लिया है और इसमें मैंने तकरीबन 2 अदद दरमियानी टमाटर लेके इसके क्यूब्स काट लिए हैं, 3 हरी मिर्चें ली हैं, 1/2 कप मैंने तेल लिया है और 3 अदद प्याज को लाल करके मैंने क्रश कर लिया है क्योंकि 1/2 मैं सालन में डालूंगी और कुछ मैं दम पे रखते हुए चावल पे छिड़कूंगी। 1 कप दही को मैंने बीट कर लिया है और इसी तरह मैंने 10 दाने काली मिर्च के और 1 बादबान का फूल लिया है, 1 चम्मच साबुत जीरा लिया है और इसी तरह गरम मसाला मैंने पिसा हुआ 1 चम्मच, पिसा हुआ जीरा 1 चम्मच, लाल पीसी मिर्च 2 चम्मच, नमक 1 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच और 2 दालचीनी ली है मैंने, 3 अदद लौंग ली है, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची और 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया लिया है मैंने। अब हम चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। हमने गोश्त में दही को मिक्स कर दिया है, अब हम इसमें बाकी मसाले भी शामिल करेंगे
पहले गोश्त को हम मिक्स करके तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे और फिर हम दूसरी तैयारी शुरू करेंगे बिरयानी बनाने की। हम इसमें डाल रहे हैं हल्दी, पीसा धनिया, पीसा जीरा, गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, मिर्चें पीसी हुई, और इन तमाम अज़ा को हम अच्छे से गोश्त में मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको तकरीबन हम आधे घंटे के लिए रख देंगे अच्छे से मिक्स करके। वीबर्स, हमने गोश्त में मसाला बहुत अच्छी तरीके से लगा दिया है, देखिए आप बहुत अच्छे से मिक्स हो गए। अब हम इसको आधे घंटे के लिए रख रहे हैं। वीबर्स, हमने इसमें आधा कप तेल डाल दिया है, गरम कर लिया है। अब हम इसमें जो हमने तमाम खड़े मसाले रखे थे, काली मिर्च, बादमान का फूल, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और ये छोटी इलायची डाल के शामिल कर दिया है और सफ़ेद जीरा भी डाल दिया है। वीबर्स, गोश्त को हमें मसाला लगाए हुए 30 मिनट हो गए हैं। अब मैं ये तेल में गोश्त को शामिल करूंगी। वीबर्स, हमने गोश्त डाल दिया है इसमें। अब हम तकरीबन 5 मिनट गोश्त को इसमें डाल के भूनेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। जब तक हम इसको भूनते हैं बहुत अच्छे तरीके से ताकि इसमें भूनने की खुशबू आ जाए और रंग भी चेंज हो जाए थोड़ा गोश्त का। वीबर्स, गोश्त बहुत अच्छी तरीके से मसाले के साथ भून गया है। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे जो हमने काट के रखे थे टमाटर, वो इसमें शामिल करेंगे और प्याज जो क्रश करके रखी थी हमने, वो हम इसमें तकरीबन आधी प्याज शामिल करेंगे, बाकी हम दम पे रखेंगे। और इसको हम पानी, आधा कप पानी डालकर इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि ये अच्छे से टमाटर और प्याज मिक्स हो जाए। ये देखें व्यूअर्स, आप मैंने तमाम चीज़ें इसके अंदर मिक्स कर दी हैं। अब हम इसको पानी डाल के छोड़ते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए। व्यूअर्स, हमने इसमें पानी डाल दिया है, पानी को अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब इसको हम ढक्कन ढक के 10 मिनट के लिए रख दे रहे हैं ताकि ये अच्छे से गल भी जाए और मसाला भी मिक्स हो जाए टमाटर और प्याज वगैरह। वीबर्स, हमने ये चावल 3.5 कप लिया है और इसको 1 घंटा मैंने भिगो के रख दिया है। अब उबालने चढ़ाऊंगी और इसमें मैं डालूंगी 2 अदद 30 पत्ते का मैंने लिए हैं और ये मैंने लिया है जावेत्री का बंच लिया है, 1 चम्मच सफ़ेद जीरा और 8 अदद मैंने इसमें लिए हैं काली मिर्च साबित, वो डाल के उबालूंगी। वीवर्स, गोश्त बिल्कुल हमारा तैयार हो गया है मुर्गी का। और ये देखें, सिंधी मसाले की बिरयानी के लिए जो हमने मसाले सब डाले थे वो भी बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हमने इसको ज़्यादा भूना नहीं है, मसाला ही रखा है ताकि मसाला बिरयानी मसाले वाली बने। तो फिर इसको अब हम आपको तह पे देते हुए दिखाएंगे कि अब चावल पे हम तह किस तरह दे रहे हैं। वीवर्स, हमने ये चावल उबाल लिया था, उसकी चावल की एक तह बिछाई है, इसके ऊपर हरा धनिया डाला है और हम इसके ऊपर लेमू भी डालेंगे। लेमू को मैंने स्लाइस करके, 2 अदद लेमू को मैंने स्लाइस करके काट लिए थे, आप ये देखें मैंने रिंग शेप में काटे हैं और ये इसको मैंने इसमें लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर गोश्त की तह डालेंगे जो हमने बनाया हुआ है गोश्त। वीवर्स, हमने इसमें गोश्त की तह डाल दी है, अब इसमें हरा मिर्चें डाल लगा रहे हैं हम इसमें और दोबारा से चावल की तह डाल रहे हैं हम इसमें। वीवर्स, हमने गोश्त के ऊपर चावल की दोबारा तह डाल दी है, हरा धनिया डाल रहे हैं इसके ऊपर हम और जो लीमू थे हमने बताए थे आपको काट काट के रखे वो डाले हैं और प्याज जो हमने लाल करके रखी थी वो अब इसके ऊपर डालेंगे, जो आधी हमने सालन में डाली थी आधी हम इस पर डाल रहे हैं जो रखी थी बाकी हमने, और ये जर्दे का रंग डाल रहे हैं और अब हम इसको दम पे देंगे और फिर आपको हम डिश आउट करके दिखाते हैं। वीवर्स, ये हमारी सिंधी बिरयानी जो मैंने बनाई है वो तैयार है और इसको मैंने डिश आउट कर, सौंफ 2 चम्मच, साबित धनिया 2 चम्मच, सफ़ेद जीरा 2 चम्मच,
प्याज एक दरमियानी कटी हुई, लहसुन अदरक का पेस्ट और दालचीनी, छोटी इलायची और बड़ी इलायची। ये गोश्त हमने लिया है 3 पाव बीफ का, जो जिसमें थोड़ी बहुत चर्बी भी शामिल है, लेकिन क्योंकि यखनी पुलाव में अच्छी लगती है हड्डी भी और चर्बी भी। और ये 30 पत्ता भी शामिल है, काली मिर्च भी शामिल है। अब इन तमाम अज़ा को हम गोश्त में शामिल करके पानी डाल के चढ़ाएंगे। गोश्त में जो अज़ा थे वो डालेंगे, सौंफ डाल रही हूँ मैं, साबित धनिया डालेंगे, सफेद जीरा, 30 पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्च और लौंग। ये जो प्याज हमने काटी थी वो डलेगी इसके अंदर। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, क्योंकि साबित लहसुन डालने में वो मुँह में छिलके आने लगते हैं, तो मैं ये पेस्ट डाल रही हूँ। और नमक हसबे ज़रूरत हम डालेंगे, जो हमें सही लगेगा जायके के हिसाब से। अब इसमें पानी शामिल करेंगे। गोश्त में हमने पानी 4 कप डाला है, यानी गोश्त के ऊपर पानी आ जाए। अब इसको हम धीमी आंच पर चढ़ा देंगे और तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये गल जाएगा। और इतना पानी रखना है जिसको हम चावल में डाल सकें दम। व्यूअर्स, ये गोश्त हमारा बॉयल होके तैयार हो गया है और उसकी यखनी जो है मैंने अलग कर ली है, जो मुझे चावल के हिसाब से डालनी है। ये चावल हमने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया है, जो हम तेल गरम होने पे पहले प्याज को लाल करेंगे नाजरीन, उसके बाद उसमें हम दही डालेंगे, अदरक लहसुन डालेंगे, नमक हसबे ज़ायका टेस्ट करेंगे और उसके बाद उसमें चावल डालेंगे। ये प्याज लाल करके मैंने रखा है अलग से, ताकि पुलाव बनने के बाद उसके ऊपर से गार्निश करेंगे। जो प्याज हमने काटी हुई थी उसको अब लाल करने के लिए रखा है, ताकि मसाला इसका तैयार हो सके यखनी पुलाव। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं प्याज लाल हो गई है। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाएंगे, अब इसमें दही मिलाएंगे, और इसमें अब नमक शामिल करेंगे। नमक शामिल करके कुछ देर इस मसाले को हम भूनेंगे। मसाला तैयार हो गया, जिसमें जो हमने यखनी बनाई है ना गोश्त की, वो शामिल करेंगे। उबाल आ जाएगा तो हम फिर इसमें चावल शामिल करेंगे और गोश्त को शामिल करेंगे। फिर चावल शामिल कर रहे हैं, चावल शामिल कर दिया है हमने, आप देख सकते हो व्यूअर्स। अब हम इसमें पूरा गोश्त शामिल करेंगे जो हमने बॉइल किया हुआ है, और सारे साबित मसाले इसी में हैं, इसलिए मैंने अलग से नहीं डाला है। अब हम इसके अंदर सारे गोश्त को शामिल करने के बाद जब एक उबाल आ जाएगी तो हम ये देखेंगे कि नमक सही है, वरना अगर जायके की ज़रूरत होगी नमक की तो वो शामिल करेंगे हम। व्यूअर्स, इसमें हमने गोश्त शामिल करके बहुत अच्छी तरह मिला दिया है, और अब इसको दम आने के लिए पहले पानी खुश्क हो जाए, फिर दम आने के लिए हम इसको ढक्कन ढक दें। व्यूअर्स, अब आप देखेंगे चावल बिल्कुल खुश्क हो गया है पानी से। अब इसमें हम हरा धनिया, हरी मिर्चें शामिल करेंगे, और इसको तवे पे धीमी आंच पे दम के लिए रख देंगे। व्यूअर्स, ये हमारी यखनी पुलाव तैयार हो गई है।